नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों आज मैं आपको महापुण्य फल देने वाली भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करने वाली 5 कथाएं सुना रहा हूँ। हे भगवान श्री कृष्ण, आप अपने सभी भक्तों पर अपनी सदा कृपा बनाए रखना। हे भगवान श्री कृष्ण, जो भी बहन भाई बंधु इस कथा को सुन रहे हैं, कह रहे हैं और हुंकार भर रहे हैं, उनको सुख समृद्धि देना, उनके सभी पापों को नष्ट करना और उनको अपने चरणों में स्थान देना। तो प्रिय भक्तों, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आइए कथा को शुरू करते हैं। द्वापर युग का समय चल रहा था। भगवान श्री कृष्ण के रूप में महाविष्णु अपने 8वां अवतार में जन्म ले चुके थे। सभी देवता भगवान सूर्य ऋषि मुनि वेश बदल कर एक एक करके बाल कृष्ण से मिलने आ रहे थे। वह देख भगवान शिव के मन में भी अपने प्रिय प्रभु से मिलने की इच्छा उत्पन्न हुई, पर वह यह सोचकर रुके हुए थे कि बाल कृष्ण के लिए उपहार के रूप में क्या दिया जाए जिसे वह हमेशा अपने पास रख सकें। तब शिव जी को याद आया कि उनके पास महान ऋषि दधीचि की वज्र की अस्थि हड्डी रखी हुई है। ऋषि दधीचि वह ऋषि हैं जिन्होंने राक्षस एवं असुरों के संहार के लिए अपनी आत्मा त्याग कर अपनी वज्र की हड्डियां देवताओं को दान में दी थीं, जिसके बाद ऋषि विश्वकर्मा ने कुछ हथियार बनाए थे। उस बची हुई एक हड्डी को तराशकर भगवान शिव जी ने एक अत्यंत सुंदर बांसुरी बनाई। फिर जब वह बालक भगवान कृष्ण से मिले तब उन्होंने वही बांसुरी उन्हें भेंट कर दी। वो सुंदर भेंट कृष्ण भगवान को बहुत पसंद आई। शिव और कृष्ण भगवान के बीच स्नेह देखकर उस दिन देवताओं ने भगवान कृष्ण को बांसुरी वाला इस नाम से गौरवान्वित किया। उसी बांसुरी को ही कृष्ण भगवान ने अपने अवतार काल के अधिकतम समय हमेशा अपने पास रखा। यह कहानी भगवान कृष्ण के बाल काल की है। बचपन में कृष्ण बड़े ही शरारती थे। आए दिन कृष्ण भगवान के नए नए उलाने रोज यशोदा मैया के पास आते रहते थे। उन्हीं उलानों से तंग आकर एक दिन यशोदा मैया छड़ी लेकर कृष्ण भगवान के पीछे दौड़ी थीं और मैया से भागते भागते गोविंद एक कुमार के घर घुस गए। उस वक्त कुमार अपने काम में व्यस्त था, पर जब कुमार की दृष्टि भगवान पर पड़ी तब वह बड़ा ही प्रसन्न उठा। कृष्ण बोले, कुमार जी मेरी मैया बहुत क्रोधित है और छड़ी लेकर मुझे ढूंढ रही है, कुछ समय के लिए मुझे कहीं छुपा लीजिए। कुमार भगवान श्री कृष्ण के अवतार स्वरूप से ज्ञात था। उसने तुरंत कृष्ण जी को एक बड़े से मिट्टी के घड़े के नीचे छुपा दिया। कुछ समय पश्चात जब यशोदा मैया ने वहां आकर पूछा, क्यों रे कुमार, क्या तूने मेरे काना को देखा है? तो कुमार ने जवाब दिया, नहीं मैया, मैंने नहीं देखा। कुमार और यशोदा मैया के बीच हो रहा संवाद भगवान श्री कृष्ण गौर से सुन रहे थे। फिर जब माता यशोदा वहां से चली गई तब काना बोले, कुमार जी, मेरी माता यदि चली गई हो तो मुझे इस घड़े से बाहर निकालिए। कुमार बोला, ऐसे नहीं भगवान, पहले आपको मुझे वचन देना होगा कि आप मुझे 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त कर देंगे। कुमार की बात सुनकर कान्हा जी मुस्कुराए और बोले, ठीक है कुमार, मैं वचन देता हूँ कि मैं तुम्हें 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्ति दे दूंगा, अब तो मुझे बाहर निकालो। कुमार बोला, मुझे अकेले को नहीं महाप्रभु, मेरे पूरे परिवार को भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दीजिए, तो ही मैं आपको घड़े से बाहर निकालूंगा। इस पर कृष्ण बोले, ठीक है भैया, मैं उन्हें भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन देता हूँ, अब तो बाहर निकाल दो। अब कुमार बोला, बस प्रभु जी, एक विनती और है, उसे पूरा करने का वचन देते हैं तो मैं आपको घड़े से बाहर निकाल लूंगा। कृष्ण बोले, अब वह भी बता दो। कुमार ने कहा, हे प्रभु जी, जिस घड़े के नीचे आप छुपे हैं उस घड़े को बनाने के लिए लाई गई मिट्टी मेरे बैलों पर लाद कर लाई है। आप मेरे उन बैलों को भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दीजिए। कृष्ण भगवान ने कुमार का प्राणी प्रेम देखकर उन बैलों को भी मोक्ष देने का वचन दिया। कान्हा बोले, लो तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी हो गई हैं, अब तो इस घड़े से मुझे बाहर निकाल लो। इस बार कुमार बोला, अभी नहीं भगवान, बस एक अंतिम इच्छा शेष रह गई है और वह यह है कि जो भी जीव हम दोनों के बीच हुए इस संवाद को सुनेगा उसे भी आप
इस जन्म और मृत्यु के चक्कर से मुक्त कर देंगे। बस यह वचन भी दे दीजिए, तभी मैं आपको इस घड़े से बाहर निकालूंगा। कुमार की सच्ची प्रेम भावना देखकर कृष्ण भगवान अति प्रसन्न हुए और उन्होंने कुमार को तथास्तु कह दिया। फिर जाकर कुमार ने बाल कृष्ण को घड़े से बाहर निकाला, उनको साष्टांग प्रणाम करके उनके चरण धोए और वह चरण अमृत प्राशन करके अपने पूरे घर में उसका छिड़काव किया। अंत में कुमार प्रभु कृष्ण के गले लगकर इतना रोया कि उनमें ही विलीन हो गया। द्वापर युग में घटित कृष्ण और राधा की कहानियां कौन नहीं जानता। उस वक्त देवताओं में यह चर्चा थी कि राधा ही भगवान कृष्ण की सबसे बड़ी भक्त हैं, पर इस बात से एक व्यक्ति सहमत नहीं थे और वह थे नारद मुनि। वह अपने आप को ही भगवान कृष्ण का सबसे बड़ा भक्त मानते थे, पर देवताओं में राधा रानी के विषय में चर्चा सुनकर उन्हें जलन महसूस होने लगी थी। नारद मुनि के स्वभाव से भगवान कृष्ण भी अच्छी तरह अवगत थे। एक दिन नारद मुनि कृष्ण भगवान से मिलने द्वारकापुरी गए थे। उन्हें आता देख भगवान श्री कृष्ण अपना सिर पकड़कर बैठ गए। मुनिवर ने उन्हें देखते ही पूछा, क्या हुआ प्रभु, आप यूं सिर पकड़कर क्यों बैठे हैं? उस पर द्वारकाधीश ने उत्तर दिया, मुनिवर, आज हमें सिर में बहुत पीड़ा हो रही है। नारद बोले, तो प्रभु इस पीड़ा को मिटाने का क्या कोई उपाय है? कृष्ण ने कहा, हाँ उपाय तो है, अगर मेरा सबसे बड़ा भक्त अपने चरण धोकर उसका चरण अमृत मुझे पिलाएगा तो मेरा सिर दर्द पल भर में ठीक हो जाएगा। कृष्ण के मुख से यह उपाय सुनकर कुछ पल के लिए मुनिवर सोच में पड़ गए कि यूं तो मैं ही सबसे बड़ा कृष्ण भक्त हूँ, लेकिन अगर मैं अपने पैर धोकर उसका चरण अमृत प्रभु को पिलाऊंगा तो मुझे नरक जाने जितना महापाप लगेगा, परंतु राधा को भी तो सब कृष्ण का बड़ा भक्त मानते हैं। इतना सोचने के बाद भगवान कृष्ण से आज्ञा लेकर नारद तुरंत राधा रानी के महल में जा पहुंचे और उन्हें प्रभु के सिर में हो रही पीड़ा एवं उसके उपाय के बारे में वृतांत सुनाया। वह सुनकर राधा रानी ने एक क्षण का भी विलंब न करते हुए अपने चरण धोकर उसका अमृत एक कटोरी में नारद मुनि के हाथ में ला कर दिया और कहा, मुनिवर, मैं नहीं जानती कि मैं भगवान कृष्ण की कितनी बड़ी भक्त हूँ, पर मैं अपने ईश्वर आराध्य को पीड़ा में नहीं देख सकती। राधा के मुख से वह सच्चे भक्ति भाव के शब्द सुनकर नारद मुनि की आंखें खुल गईं और वह समझ गई कि राधा रानी ही कृष्ण की सबसे बड़ी भक्त है और प्रभु श्री कृष्ण ने यह लीला मुझे समझाने के लिए रची थी। यह कहानी है भगवान कृष्ण की प्रिय भक्त कर्माबाई की। कर्माबाई बचपन से ही अपने पिता जीवन राम को कृष्ण भगवान की पूजा करते हुए देखती थी। वह कभी भी कृष्ण भगवान को भोग लगाए बिना भोजन ग्रहण नहीं करते थे। जब कर्माबाई 13 साल की थी तब एक दिन जीवन राम को तीर्थ पुष्कर स्नान के लिए जाने की इच्छा हुई, साथ में उनकी पत्नी ने भी पुष्कर स्नान की इच्छा प्रकट की। जीवन राम अपनी बेटी को भी ले जाना चाहते थे, लेकिन दुविधा यह थी कि अगर वह सब घर से बाहर गए तो श्री भगवान कृष्ण को भोग लगाएगा कौन। तब जीवन राम ने इस नित्य कर्म की जिम्मेदारी कर्माबाई को सौंपी और कहा कि देखो बेटी कर्मा, सुबह भगवान कृष्ण को भोग लगाने के पश्चात ही तुम भोजन ग्रहण करना। कर्मा ने भी अपने पिता की हाँ में हामी भर दी। अगले दिन सुबह कर्माबाई ने उठकर सबसे पहले गुड़ और घी डाल के बाजरे का खिचड़ा बनाया और भगवान कृष्ण की मूर्ति के सामने रख दिया और बोली, भगवान, मैंने आपका भोग रख दिया है, आपको जब भूख लगे तब खा लेना, तब तक मैं घर के काम पूरे कर लेती हूँ। इतना कहकर कर्माबाई अपने घर के कामों में जुट गई। काम करते करते बीच बीच में आकर देखने पर जब कर्माबाई को ज्ञात हुआ कि भगवान ने अभी तक खिचड़ा नहीं खाया है, तब उसे संदेह हुआ कि शायद खिचड़ी में घी और गुड़ कम है, इसलिए भगवान कृष्ण भोजन ग्रहण नहीं कर रहे हैं। तभी कर्माबाई ने खिचड़ा में थोड़ा गुड़ और घी मिलाया और मूर्ति के सामने बैठ गई। वह बोली, भगवान, मेरे पिताजी जब खिलाते हैं तब तो आप खा लेते हो, तो अब क्यों नहीं खा रहे? और अभी तो पिताजी बाहर गए हैं, उन्हें आने में बहुत दिन लगेंगे, तब तक आपको भोग लगाने की जिम्मेदारी मुझे दी गई है, इसलिए जब तक आप भोजन नहीं खाएंगे मैं भी कुछ नहीं खाऊंगी। इस तरह जिद पर अड़ी नन्नी कर्मा की प्यारी बातों से कृष्ण भगवान का सिंहासन डोल गया। फिर मूर्ति में से आवाज आई, बेटी कर्मा, तुमने पर्दा तो किया ही नहीं तो मैं भोजन कैसे ग्रहण करूं? तब कर्माबाई ने मूर्ति के आगे अपनी चुनरी का पर्दा किया
और कुछ ही समय में कृष्ण मूर्ति के सामने रखी खिचड़ी की थाली खाली हो गई। अब कर्मा रोज सुबह सवेरे पहले कृष्ण को बाजरे का खिचड़ा खिलाती और बाद में खुद भोजन ग्रहण करती। कुछ दिनों बाद घर लौटने पर कर्मा के माँ बाप भी कृष्ण की लीला देखकर दंग रह गए। इस तरह कर्माबाई ईश्वर कृष्ण की नसीम भक्त बन गई। अपने जीवन के अंतिम दिनों में कर्माबाई भगवान जगन्नाथ की नगरी जगन्नाथपुरी में एक कुटिया में बस गई थी। वहां पर एक दिन कर्माबाई की कुटिया के सामने एक तेजस्वी कांति वाला बालक आया और उसने कर्माबाई से कहा, मुझे भूख लगी है, माँ खाना दो। उस वक्त भी कर्माबाई अपने भगवान कान्हा को खिचड़ा का भोग लगा रही थी। कर्मा ने उस बालक को भी खिचड़ा खिलाया। उसके बाद से ही वही बालक हर रोज कर्मा के हाथ का खिचड़ा खाने आता था। यह सिलसिला कई वर्षों तक चलता रहा। वह बालक कोई और नहीं स्वयं जगन्नाथ भगवान थे, क्योंकि जिस दिन कर्माबाई का देहांत हो गया उस दिन जगन्नाथ भगवान की मूर्ति की आंखों से आंसू बह रहे थे और उसी रात मंदिर के पुजारी के स्वप्न में जगन्नाथ भगवान आए और अपने दुखी होने का कारण बताया कि उनकी परम प्रिय भक्त कर्माबाई गोलोक सिधार गई हैं। मैं रोज सुबह उसके हाथ की खिचड़ी खाता था, अब मुझे खिचड़ी कौन खिलाएगा। अगले दिन से मंदिर के पुजारियों ने निर्णय लिया, भगवान को रोज बाजरे के खिचड़े का भोग लगेगा और उस भोग का नाम दिया गया कर्माबाई की खिचड़ी। द्वापर युग में पांडव वनवासी का जीवन जी रहे थे और महाकपटी दुर्योधन हस्तनापुर में एक राजविलासी जीवन जी रहा था। एक दिन महर्षि दुर्वासा अपने शिष्यों के साथ हस्तनापुर अतिथि बनकर पधारे थे। दुर्योधन ने काफी अच्छे तरह से उनका आतिथ्य किया। इसी पवित्र कार्य के बीच दुर्योधन ने अपने मामा शकुनी के साथ मिलकर पांडवों को परास्त करने की एक नई योजना बनाई। जब महर्षि दुर्वासा ने कहा कि हम अब भोजन करेंगे, तब दुर्योधन बोला कि ऋषियों को भोजन कराना तो एक महापुण्य का कार्य है, लेकिन महर्षि दुर्वासा मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि इस महापुण्य को प्राप्त करने का अवसर मैं अपने बड़े भ्राता युधिष्ठिर को देना चाहूंगा। इतना कहकर दुर्योधन ने महर्षि दुर्वासा और उनके शिष्यों को नजदीक के वन में बसे युधिष्ठिर की कुटिया में भोजन करने के लिए भेज दिया, क्योंकि वह जानता था कि दोपहर के उस समय पांडव द्रौपदी सहित खाना खा चुके होंगे और कुटिया में अन्न शेष नहीं होगा। कुछ ही समय में महर्षि दुर्वासा अपने शिष्यों के साथ पांडवों की कुटिया के सामने थे। वहां युधिष्ठिर ने उनका बड़े आदर के साथ स्वागत किया। महर्षि दुर्वासा ने युधिष्ठिर को दुर्योधन के साथ हुआ अपना वार्तालाप बता दिया और कहा कि मैं और मेरे शिष्य स्नान के पश्चात भोजन ग्रहण करेंगे। इतना कहकर वह सभी ऋषिगण स्नान करने के लिए नदी पर चले गए। धर्मराज युधिष्ठिर ने यह बात तुरंत जाकर द्रौपदी को बताई। द्रौपदी ने कहा, इस वक्त तो हमारे पास कुछ भी भोजन शेष नहीं है। द्रौपदी का दिल यह सोचकर घबराने लगा, अगर ऋषियों को भोजन नहीं कराया तो उन्हें महर्षि दुर्वासा के क्रोध और साप का पात्र बनना पड़ेगा। उस कठिन घड़ी में द्रौपदी अपने मित्र सखा कृष्ण को याद करने लगी। उसी वक्त लीलाधर कृष्ण ने द्रौपदी की कुटिया के अंदर प्रवेश किया। उन्हें देखते ही द्रौपदी उनके पास दौड़ती हुई गई और उन्हें अभिवादन करके अपनी समस्या बताने लगी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, द्रौपदी तुम अपनी समस्या को कुछ समय के लिए भूल जाओ और सबसे पहले मुझे कुछ खाने को दे दो, मुझे बड़ी जोरों की भूख लगी है। तब द्रौपदी ने अक्षय पात्र लाकर कृष्ण के हाथ में रख दिया, साथ ही अपनी समस्या भी बताई। महर्षि दुर्वासा और उनके शिष्य कुछ देर में भोजन करने के लिए आने वाले हैं, लेकिन घर में तो जरा सा भी भोजन शेष नहीं है। द्रौपदी की बात सुनकर कृष्ण मुस्कुराए और पात्र में देखने लगे। उस पात्र में चावल का सिर्फ एक दाना बचा हुआ था। वह देखकर भगवान कृष्ण बोले, ये क्या, इसमें तो बहुत खाना बचा है। और वह चावल का बचा हुआ खाना उन्होंने खा लिया। इधर कृष्ण के चावल का वह दाना खाते ही उधर स्नान करके नदी से बाहर निकले महर्षि दुर्वासा और उनके शिष्यों का पेट भर गया और उन्हें डकारें आने लगी और वह युधिष्ठिर की कुटिया के ओर जाने की बजाय अपनी यात्रा के लिए प्रस्थान कर गए। इस तरह चावल के एक दाने से ही कृष्ण भगवान ने ऋषियों को पेट भरकर उनके क्रोध और साप से पांडवों की रक्षा की। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय।